देव सेना के बैनर तले गुर्जर समाज के साथ ही अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने भीलवाड़ा के मांडल स्थित धार्मिक स्थल पर गोपाल गुर्जर द्वारा ताला तोड़कर मंदिर में पूजा अर्चना करने का समर्थन किया और गिरफ्तार किए गए गोपाल को छोड़ने और मंदिर विवाद को समाप्त करने की मांग की। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि 45 साल पहले गुर्जर समाज के पूर्वजों द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिस पर लंबे समय से विवाद होने के कारण ताला लगा हुआ था। पूजा करने के उद्देश्य से गोपाल गुर्जर ने ताला तोड़ा था और पूजा अर्चना भी की गई, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों द्वारा विरोध करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे लेकर राजस्थान के गुर्जर समाज में आक्रोश व्याप्त है। समाज भीलवाड़ा और जिला पुलिस भीलवाड़ा को हमारी सरल और नम शब्दों में और उस पर 40 साल से कब्जा कर रहा है कुछ समाज कंटकों ने। प्रकरण चल रहा है, आप सभी को विदित है, उस मांडलकर प्रकरण में जो सरकार के द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में, उसके 45 साल से जो ताले बंद थे उसके विरोध में आज अजमेर जिले में श्री देवसेना संगठनों और सर समाज के संगठनों की तरफ से और सब समाज के सभी प्रबुद्धजनों की तरफ से आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और हमारे भाई गोपाल गुर्जर बस्सी को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, उस हिसाब से हमने आज ज्ञापन दिया सब भाइयों के साथ मिलकर। सभी सर समाज के, गुर्जर समाज के विशेषकर और सर समाज के लोगों ने देव सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कुमाड़ा जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, जिसमें ये कहा गया है कि भीलवाड़ा जो मांडल में हमारा मंदिर है जो 45 साल से बंद था, जो हमारे गोपाल गुर्जर हमारे भाई ने उसकी पूजा करने के कोई दुर्भावनावश नहीं, पूजा करने की वजह से उन्हें वहाँ का ताला टूट गया और उसने पूजा की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों ने अगले दिन नारेबाजी की है। अगर इस तरह की द्वेष भावना रही तो निश्चित तौर पर हमारे आज बीजेपी और कांग्रेस के सभी गुर्जर नेता यहाँ मौजूद हैं और 5 से 7 दिन की हमने कलेक्टर साहब को चेतावनी दी है, भीलवाड़ा जिला भी बंद कराया जाएगा, अजमेर जिला भी बंद कराया जाएगा।